प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर 7 राज्यों पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, कोरोना से निपटने के इंतजामों की समीक्षा बैठक की। कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के नेताओं ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। महामहिम राष्ट्रपति से की कृषि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने और वापस करने की अपील। विपक्ष ने राष्ट्रपति से कहा, कृषि विधेयकों को गलत तरीके से पास कराया गया। कृषि विधेयक के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने किया संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। सरकार पर लगाया धक्केशाही से बिल पास कराने के आरोप। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020। पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिलने पर अकाली दल ने जताया विरोध। पंजाब सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना के टेस्ट के लिए तय की कीमतें। अब निजी लैब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 1600 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज कर पाएंगी। पंजाब कैबिनेट ने बहुसदस्य सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। प्री प्राइमरी टीचर्स के 8,393 पदों को भरने की कैबिनेट से हरी झंडी। पंजाब में कृषि बिलों पर राजनीति ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस ने कहा, शिरोमणि अकाली दल अभी भी किसानों को कर रही है गुमराह। शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस को बताया किसान विरोधी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना। नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा बोले, दोनों ही पार्टियों ने पीछे से बिल को सपोर्ट किया। किसानों के समर्थन में अमृतसर में सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। कृषि बिल को बताया काला कानून। कृषि बिल के खिलाफ किसानों से की एकजुट होने की अपील। राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक भी किसानों के समर्थन में उतरी। 25 सितंबर को किसानों के बंद के समर्थन में ऐलान किया। पंजाब हरियाणा में बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कृषि बिलों के विरोध में निकले किसान। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। कई जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बिल। हरियाणा में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर शहीदों को किया गया याद, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। केलांग में अधिकारियों के साथ बैठक की। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे टनल का उद्घाटन। ड्रग से जुड़े केस में एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भेजा समन। अगले 3 दिन में सभी से एनसीबी करेगी पूछताछ।